माइक्रो uh, न्यूट्रंस के बारे में आज हम जानेंगे और माइक्रो uh, न्यूट्रंस का क्या रोल है हमारी हेल्दी लिविंग के लिए और किस तरीके से uh, आप एक पिक्चर जो ये देख रहे हैं स्क्रीन पे अगर मैं बात करूं कि माइक्रो uh, न्यूट्रेंट्स जो है वो हमारे बॉडी uh, के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से नेचर पे ये एग्जिस्ट करते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ जैसे कि uh, हमारे पास तीन तरीके के माइक्रो न्यूट्रंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स और जिस तरीके से ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं हर एक कुछ जो नेचुरली हमारे आसपास जो फूड आइटम्स हैं उसमें ये या तो प्रोटीन होगा या कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होंगे कभी कभी ये मिक्सचर होते हैं या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स होगा या प्रोटीन और फैट्स का मिक्सचर हुआ तो हर तरीके से और अगर हम अब बात करें कि अगर हम एक प्लेट देख रहे हैं एक बैलेंस मील तो हम ये नहीं कहते कि सिर्फ प्रोटीन है उसके अंदर या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है या सिर्फ फैट्स है नहीं तो हम उसमें एक बैलेंस तरीके से उसको अरेंज करते हैं ताकि हमें हर एक चीज का बेनिफिट अच्छे से मिल सके अगर हम ये हम देख रहे हैं काप्स प्रोटीन एंड फैट्स तो आप लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास काप्स के ये ऑप्शन हैं, हमारे पास प्रोटीन के ऑप्शन हैं और हमारे पास फैट्स के ऑप्शन हैं। नेचर में मैनमेड मेड uh, uh, से मतलब जो हमारे ह्यूमन human... हम लोगों ने बनाए हैं खुद से वो है शुगर एंड ऑयल्स उस, उसके अलावा जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं जो नेचुरली हैं हमारे आसपास हमारे पास सोर्स तो उसमें हमारे पास कार्ब्स भी हैं हमारे पास प्रोटीन भी है हमारे पास फैट्स भी हैं है, और ये जो आप देख रहे हैं जिसमें कार्ब्स और प्रोटीन दोनों है मिक्स जैसे कि आपके हो गए नट्स जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं आपके जो दालें होती हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रोटीन और फैट्स का ओवरलैप ये दो दोनों चीजें इसमें मिक्स हैं जैसे कि आपका अंडा हो गया दूध या दूध की बनी चीजें हो गई उसमें प्रोटीन भी भी आपको आपको मिलेगा और आपको भी मिलेगा और फैट्स जो हैं हैं वो क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में वो एक सेम काम करता है वो एक हमारा फ्यूल है तो जिस तरीके से हम हमें गाड़ी चलाने के लिए हम उसके अंदर पेट्रोल डालते हैं वो उसका एक फ्यूल है ताकि उसको वो इंजन स्टार्ट होता है और गाड़ी रन करती है सिमिलरली काब्स भी जो है हमारे बॉडी में वो एक फ्यूल की तरह काम करते हैं हमें एनर्जी देते हैं और बात आई अगली प्रोटीन तो प्रोटीन का क्या रोल रहेगा प्रोटीन को हम कहते हैं कि वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है किस तरीके से कि आपके जो सेल्स हैं आपके जो टिश्यूज हैं उसको बनाने में आपके मसल्स को बनाने में काम आते हैं और उनका रोल है कि आपके बॉडी में बहुत तरीके के हॉर्मोन्स होते हैं उनमें उसके बाद हम बात करें कि अगर हम एक हेल्दी वेट के लिए बात करते हैं हम बहुत टाइम से कहते आए हैं प्रोटीन रिच डाइट लेने के लिए वो एक हमें एक फुल फील कराते हैं बात आई फैट्स की फैट्स जो है फैट्स को हम कहते हैं कि एक इंसुलेटिंग ब्लैंकेट है तो इंसुलेटिंग ब्लैंकेट का मतलब जिस तरीके से कि हम एक कंबल में अगर अपने आप को रखते हैं तो एक हमें एक वॉर्म एक गर्म महसूस होता है ठीक है हमें एनवायरमेंट के जो भी आसपास से हमें बचा के रखता है सिमिलरली वैसे ही फैट्स आपके बॉडी के अंदर वही काम करते हैं हम इस प्रोग्राम में देख रहे हैं हमने गट रिसल्ट देखा हमने इंटेंसिव फेज देखा अभी हम लोग मेंटेनेंस फेज में हैं और आप सभी देख रहे होंगे कि हर किसी का हर एक इंडिविजुअल हर एक इंसान का हर एक व्यक्ति का अपना एक खुद का आ, एक गोल है कि उसे किस तरीके से अपना आ, वेट मेंटेन करना है किस तरीके से वेट लेके जाना है अगर आपको वेट आ, हर जर्नी में चाहे वो आप वेट लॉस करें आप वेट गेन करें या मसल गेन करें या आपका अगर बॉडी वेट जो आपका हेल्दी वेट है उसके बिल्कुल बराबर है तो आपको उसको मेंटेन करना होता है तो इस तीनों स्टेजेस पे जो आपका जरूरत है आपके बॉडी में प्रोटीन फैट्स और कार्बोहाइड्रेट की वो उस हिसाब से बदल जाती है कि कितनी जरूरत किस किस चीज की है तो मैं अगर पहले बात करूं वेट लॉस की तो इस टाइम पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारी मील्स में हमारे का वो इस तरीके से होगा कि हाई प्रोटीन और फिर हम एक लो कार्ब्स और लो फैट तो जिस तरीके से मैंने कहा पहले ही कि प्रोटीन का रोल क्या है कि आपको सटाइटी फील मतलब आपको एक भरपूर रहने का एक वो देता है कि आ, कि आपका पेट भरा हुआ है आपको बार बार भूख नहीं लगे तो वो जो एक सटाइटी फीलिंग होती है कि हाँ हमें अब और कुछ खाने की जरूरत नहीं है हमारा पेट भर गया है तो वो आपको प्रोटीन से मिलेगा तो उस वजह से आपका वो जो वेट लॉस का गोल है वो आप अचीव कर सकते हैं साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक रेंज दे रखी है जैसे थर्टी फाइव से फिफ्टी परसेंट ट्वेंटी से थर्टी फाइव परसेंट को एक नंबर नहीं दिया कि इतना ही परसेंट आपको एक माइक्रो न्यूट्रिय लेना है या इतना ही ग्राम कुछ लेना है एक रेंज दी गई है दूसरी चीज मैंने यहाँ पे बात की है लो काब और लो फैट मैंने वर्ड यूज करा है लो हम ये नहीं कह रहे कि नो no, मतलब उसको लेना नहीं है हमें लेना है लो मतलब कि उसका जो पोर्शन है उसका जो क्वांटिटी आपकी प्लेट में रहेगा वो एक माइक्रोन्यूट्रिय के कंपेयर में कम होगा जैसे प्रोटीन के कंपेयर में अगर प्रोटीन के हिसाब से वो थोड़ा कम होगा आपका कार्ब्स और फैट दूसरी बात आई हमारी मेंटेनेंस की जब हम हमारा एक गोल जो है वेट को अचीव करने जो हेल्दी वेट का वो हमने कर लिया अब हमें उसे बरकरार रखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे जो हमारी तीनों माइक्रोन्यूट्रिय हैं उसकी जितनी जरूरत है एक मॉडरेशन में ना ज्यादा ना कम जितनी जरूरत है उतनी हम लेंगे तीसरी चीज आई मसल गेन पे तो अः आप सबने देखा है कि जब आप वेट लॉस करते हैं तो आपका जो आ, मसल थोड़ा लूज होता है दूसरी चीज हमने पहले के सेशंस में भी ये सब जाना कि एक एक टाइम के बाद वेट आपका अटक भी जाता है दु, दु, कुछ चेंजेस नहीं दिखते और तीसरी की अगर आप एक आ, आपका गोल ही है कि आपको उसको आपकी वेट को आपको इस तरीके से चेंज करना है आपकी बॉडी को कि उसमें मसल ज्यादा हो तो उस टाइम पे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे कि आपका प्रोटीन भी हाई होगा आपका काप्स भी आपकी डाइट में हाई हाँ होगा, पर लो फैट। अब क्वेश्चन आएगा कि वे, अब मसल गेन कर रहे हैं तो हम काप्स क्यों ज्यादा लें तो हम इंडियंस जिस तरीके से हमारा खाना है कि आ, आप लोग हम लोग हमारा जो मेन खाना है जैसे दाल हमारा जो रोटी या चावल वो हमेशा हर मील में रहता है और जो हमारे काब्स हैं वो हमें एनर्जी देते हैं जैसे कि हम मैंने पहले कहा तो जब हम आ, मसल गेन की बात करते हैं हमारा रूटीन इस तरीके से होता है कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा करते हैं हम आ, इंटेंसिव वर्कआउट ज्यादा करते हैं और वो वर्कआउट करने के लिए जो हमें एनर्जी जो ताकत चाहिए वो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेगा वो वो देगा चाहे वो एक्सरसाइज करने से पहले हो और उसके बाद हो और उस ड्यूरिंग जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस तीनों टाइम पे जो हमें एनर्जी चाहिए वो आपके कार्बोहाइड्रेट देंगे इसीलिए आपको प्रोटीन और कार्ब्स दोनों को हाई लेना होता है और लो फैट अब बात करते हैं हम हमारे आ, स्टार्ट करते हैं पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में इंडिविजुअली एक एक को हम जानेंगे किस तरीके से सबका रोल है तो पहली ये आप एक सर्वे देख रहे हैं तो ये हिंदुस्तान टाइम्स ने एक सर्वे किया था और रिसेंट uh, का ये सर्वे है जिसमें हमने देखा कि uh, हमारे अब पहले देख रहे हैं ये इट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स लिखा हुआ है मतलब कि हम प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं तो जो हमारा सर्वे हुआ है वो प्रोटीन को लेके हुआ है तो 1260 लोगों के ऊपर ही सर्वे किया गया जिसमें से जो 59 परसेंट लोग थे वो नॉन वेजिटेरियंस थे और फोर्टी जो लोग थे वो वेजिटेरियंस तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 परसेंट जो अवेयरनेस के नीचे कि जो इंडिया में जितने हमने लिया वो सर्वे में लोग तो हमें पता चला कि इंडिया में सिर्फ पच्चीस परसेंट लोग ऐसे हैं जिन्हें मालूम है कि उनकी प्रोटीन का क्या रोल है कितनी जरूरत है जो एक अवेयरनेस होती है प्रोटीन को लेके जानना होता है कि प्रोटीन क्यों हमें चाहिए वो सिर्फ पच्चीस परसेंट लोगों को है जो कि बहुत कम है बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि अगर हमें मालूम नहीं होता अवेयरनेस अवेयरनेस किसी चीज के बारे में जागरूकता नहीं होती तो हम वो चीज कर नहीं पाते वो चीज के तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते अब आप देखिए है लिखा नाइन परसेंट और ये प्रोटीन गैप लिखा है प्रोटीन गैप का मतलब होता है कि जितना आप प्रोटीन ले रहे हैं और कितनी आपको जरूरत है इनके बीच का जो गैप है वो दिल्ली के लोगों में सबसे ज्यादा देखा गया कि ये गैप बहुत ज्यादा है कि आप जो प्रोटीन ले रहे हैं वो या तो कम बहुत ज्यादा कम है गैप है इस तरीके से कि जितनी आपकी जरूरत है आप उससे बहुत कम ले रहे हैं तो उसमें दिल्ली सबसे ज्यादा हाँ, आगे है इस गैप के मामले में नाइन्टी नाइन परसेंट लोग ये चीज इस गैप में आ, इस गैप को फॉल मतलब उस, उसमें आ रहे हैं उस गैप के जो हमारा परसेंटेज है दूसरी तरफ जो मुंबई है वो सिक्सटी एट परसेंट है दिल्ली के कंपेयर में कम है बट सिक्सटी एट भी हम कहें कि बहुत छोटा नंबर नहीं है सिक्सटी एट भी काफी बड़ा नंबर है और यहाँ आप देखें टू परसेंट जो अवेयरनेस में है नॉर्थ ही है सबसे कम तो इसलिए हम कह पा रहे हैं कि जो प्रोटीन गैप है वो इतना ज्यादा है दूसरी बात कि जो सिर्फ बारह परसेंट लोग ही हैं जो अपने जितनी उनकी जरूरत है प्रोटीन की उनकी बॉडी को वो ले रहे हैं तो बारह परसेंट बहुत बहुत कम नंबर है इस नंबर को बढ़ना चाहिए क्योंकि अगर हम उतनी जरूरत जितनी बॉडी को उतना नहीं दे रहे हम अपनी बॉडी को उस चीज की कमी करा रहे हैं तो प्रोटीन की कमी हो रही है और प्रोटीन की कमी से हम अभी देखेंगे कि क्या क्या दिक्कतें हमारी बॉडी को फे, फेस करनी पड़ती हैं तो इस हिसाब से दस में से नौ लोग जो हैं वो प्रोटीन की कमी के कमी है उनके शरीर में इसमें अगर हम बात करें सर्वे के अकॉर्डिंग कि 91 परसेंट लोगों ने शो करा जो है वो वेजिटेरियंस हैं जिनमें प्रोटीन की कमी है पर 85 परसेंट वो भी लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन है तो अगर हम ये कह दें कि आप वेजिटेरियन है इसलिए आपके अंदर प्रोटीन की कमी है तो ऐसा नहीं है नॉन वेजिटेरियन का नंबर भी काफी हाई है वो 85 परसेंट भी बहुत हाई नंबर हाँ है तो ये बात आप क्या अपनी डाइट किस हिसाब से ले रहे हैं या कि आपका डाइट का चॉइस क्या फूड का चॉइस क्या है, क्या है आ, कि वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन उस पर इतना डिपेंड नहीं करता पर हाँ आप कितने अवेयर हैं कि आपकी बॉडी को कितना जरूरत है और क्या आप उस जरूरत को पूरा कर रहे हैं उस प्रोटीन की उस पर डिपेंड करता है और ये भी देखा गया कि जो तीस से चालीस साल के एज ग्रुप है ठीक है उनमें बेटर है प्रोटीन का इंटेक पर वो नंबर इतना ज्यादा नहीं है कि वो इसको पूरा कर पाए जो हमारे बात करें इस गैप को जो आइडिय है हमारा उनका उन्होंने एक रिकमेंडेड अलाउंस हमें बताया था कि रोज हमें कितना प्रोटीन अपनी बॉडी को देना चाहिए तो आपका होता है जीरो पॉइंट एट ग्राम्स ऑफ पर केजी बॉडीवेट हर एक किलो आपका जो बॉडी वेट है उस पर पॉइंट एट ग्राम आपको प्रोटीन लेना है और अगर आपकी बॉडी प्रोटीन ठीक से नहीं ले रही जितनी ज़रूरत है तो ये सब आपको तकलीफें मिलेंगी कि आप हमेशा थके रहेंगे आपकी बॉडी एनर्जी नहीं होगी आपकी बॉडी जो है वो लीन नहीं होगी चाहे आपका वेट सही है जितनी आपकी बॉडी को चाहिए पर आप लीन नहीं होंगे मतलब टोन नहीं होगी मसल्स नहीं है मसल नहीं बन रही आपकी बॉडी में और अगर कोई भी आपके इंटरनल या किसी भी तरीके से आपको इंजरी हो जाती है कई कई बार एक्सरसाइज करते हमारा वियर एंड टीयर होता है और उसके बाद या कोई भी इंजरी हो जाती है तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती इंटरनली तो स्पेशली क्यों क्योंकि हम कह रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स वो बनाता है वो सेल्स को वो दोबारा से अगर प्रोटीन ही नहीं है तो वो रिकवरी नहीं हो पाएगी तीस आ, उसके बाद हेयर फॉल सबसे ज्यादा देखा गया है उन लोगों में जिनके अंदर प्रोटीन की कमी होती है आगे हम बात करें कि जो हमने बात की हमारे आ, आ, एक रिकमेंडेड अलाउंस है जो हमें बताया गया कि कितना प्रोटीन हमें चाहिए उस बेसिस पे एक और रिसर्च कंडक्ट करी गई कि जो आप देख रहे हैं ये सबसे लाइट ब्लू कि कुछ लोगों को जो हमारा जरूरत है पॉइंट एट ग्राम उससे कम प्रोटीन दिया गया एक हमारे ग्रुप लोगों को वन पॉइंट एट ग्राम पर केजी बॉडी वेट दिया के हिसाब से प्रोटीन दिया गया और एक को तीन ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जो येलो वाले हैं उनको प्रोटीन दिया गया तो उस हिसाब से तीन हमने पैरामीटर्स देखे कि आपका बॉडी वेट पे क्या चेंजेस आएंगे आपके फैट मास पे और फैट फ्री मास मतलब कि आपका लीन बॉडी मास पे क्या चेंजेस आते हैं तो अगर मैं बात करी जो पॉइंट सेवन है जो हमारी रिकमेंडेड अलाउंस जो हमें लेना चाहिए उससे भी कम अगर हम ले रहे हैं तो उन लोगों का जो बॉडी वेट है वो उस हिसाब से चेंज नहीं होगा जितना होना चाहिए अगर किसी को वेट लॉस करना है तो वो उतना नहीं होगा क्योंकि उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है मसल गेन नहीं होगा एज कम्पेयर में बात करूं जो हम 1.8 ग्राम पर के जी बॉडी वेट दूसरा पैरामीटर्स अगर मैं बात करूं फैट तो उनकी बॉडी में डेफिनेटली फैट ज्यादा होगा क्यों प्रोटीन कम है तो मसल बिल्डिंग नहीं हो रही तो फैट ज्यादा ही रहेगा हाई फैट मास होगा और जो हमारा फैट फ्री मास या हमारा लीन बॉडी मास है वो कम बिल्कुल ही नेगेटिव में चला गया बात आई वन पॉइंट ग्राम और थ्री ग्राम को अगर हम कंपेयर करें तो वन पॉइंट एट वाले का जो आप देख रहे हैं टावर वो अच्छे से आप फॉलो कर मतलब उनका चेंजेस दिख पा रहे हैं और फैट भी कम है और मसल मास हम देख रहे हैं बढ़ रहा है पर अगर आप देखें कि पॉइंट वन एट तो थ्री में ज्यादा डिफरेंस आप इतना नहीं देखेंगे तो इसको हम कह सकते हैं तभी अगर हम पहली स्लाइड पे जाएं पहले आ, हमने देखा कि एक रेंज दी थी हमने कि कितना आपको प्रोटीन और काब्स और फैट को अपने जो आपका गोल है उस हिसाब से कितना लेना चाहिए तो इस हिसाब से हमारी जो प्रोटीन की रेंज निकलती है कि पॉइंट एट से वन पॉइंट एट ग्राम पर के जी बॉडी वेट ये हमारा मैक्सिमम है हमारी बॉडी को लेना चाहिए इससे ज्यादा अगर हम लेते हैं तीन ग्राम या उससे ज्यादा तो हमारी बॉडी में कोई ऐसा ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखाई क्योंकि हम उसको ऑब्जर्व कर पाए या हमारी बॉडी बहुत ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट कि नहीं जितनी उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है और उससे ज्यादा भी लेते हैं तो इतना चेंज नहीं है तो हम उसको उस रेंज में ही रखें और प्रोटीन कितना एक लेना है पॉइंट ग्राम जो है वो एक नॉर्मल इंसान के लिए चाहे वो एक्सरसाइज कर रहा है नहीं मतलब जो बहुत हल्की एक्सरसाइज कर रहा है पर अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है अगर कोई बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहा है डेफिनेटली उसका पॉइंट एट से ज्यादा की जरूरत होगी जो हमने आप देख लिया इस रिसर्च के थ्रू कि वन पॉइंट एट ग्राम हमारा एक मैक्सिमम रेंज हो सकता है उसके बाद के हमारा जो प्रोटीन को हमें लेना है उसको हम किस तरीके से डिवाइड करें तो ये पिरामिड जो आप देख रहे हैं इसमें जो बेस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो उसका वो दिखा रहा है कि नीचे की जो सबसे बेस पे चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखनी है एज कम्पेयर जो सबसे टॉप पे है तो सबसे पहली चीज है कि आपका टोटल डेली प्रोटीन इंटेक की पूरे दिन में आपका प्रोटीन का इंटेक कितना है वो डिपेंड करता है जैसे कि हमने पहले भी सर्वे पे देखा कि जो जरूरत है हम उसी को पूरा नहीं कर पा रहे हमारी बॉडी में और पॉइंट एट ग्राम पर के जी बॉडी वेट के हिसाब से आप लोग अपना प्रोटीन रोज अपनी बॉडी को उतना दीजिए दूसरी चीज है कि डेली प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन की uh, ये नहीं कि हमने एक मील तो प्रोटीन वाली रिच ले ली बाकी प्रोटीन नहीं दिन में लिया नहीं उसको प्रॉपर थ्रू आउट पूरे दिन में उसको अच्छे से डिवाइड करें आपके ब्रेकफास्ट में और अगर आप मिड मॉर्निंग में अच्छे से उसको प्रोटीन लेते हैं आपकी बॉडी और अच्छे से यूज कर पाती है और फिर आप थोड़ा प्रोटीन अपना लंच और डिनर हर थ्रू आउट द मील आप उसको डिवाइड करें ताकि आपकी बॉडी उसको अच्छे से यूज कर सके यूटिलाइज कर सके और उसका अच्छा बेनिफिट आपकी बॉडी को दे सके तीसरी चीज प्रोटीन क्वालिटी प्रोटीन क्वालिटी क्या रहता है कि कैसे हम कहेंगे कोई प्रोटीन कोई भी फूड आइटम प्रोटीन की उसकी क्वालिटी अच्छी है या उसकी क्वांटिटी है एक तो उसके अंदर कितना प्रोटीन है वो क्वांटिटी है और क्वालिटी मतलब कि जितने भी हमारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो हमें उस प्रोटीन के अंदर मिले तो कुछ जैसे हमारे फूड आइटम्स होते हैं जिसमें कुछ तरीके के असेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होते और सब में सारे अमाइनो एसिड्स नहीं होते तो हम ये देखें कि हम कौन से दो फूड आइटम्स को एक साथ ले ताकि हमारे सारे जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी को मिल सके जैसे बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि हम इंडियंस दाल चावल बहुत खाते हैं दाल चावल बहुत कॉमन फूड है ठीक है अब क्या है कि जो हमारा राइस होता है उसमें एक एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है लाइसिन जो नहीं होता और जो हमारी दालें हैं उसके अंदर मिथियोनिन नाम का एक अमाइनो एसिड है जो नहीं होता उसके अंदर तो जब हम दोनों चीजों को साथ में लेते हैं तो हमारे पूरा जो हमारे बॉडी को असेंशियल अमाइनो एसिड जितने चाहिए वो हमें मिल जाते हैं तो इसलिए क्या कॉम्बिनेशन ले रहे हैं हम प्रोटीन के साथ और हमारे डाइट में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस प्रोटीन क्वालिटी के पॉइंट को क्लियर करने के लिए और हमारे बॉडी में सारे अच्छे से सेल अमाइनो एसिड्स मिल सके लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारा प्रोटीन का टाइमिंग कि आप कब प्रोटीन ले रहे हैं और स्पेशली जैसे कि हम मैंने बात किया अगर आप आग मसल गेनिंग पे हैं आप बहुत ज्यादा इंटेंसिव वर्कआउट कर रहे हैं अगर आप आग कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या आप एथलीट हैं तो अगर आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा कर रहे हैं विग्रस्त कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा प्री एंड प्रो वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज करने के बाद हमें मसल क्योंकि यूज हुआ है टीयर हुआ है टूटे हैं उसको दोबारा बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत है और वो प्रोटीन अगर हम एक्सरसाइज करने के 30 मिनट तक उस प्रोटीन को कंज्यूम कर लेते हैं तो सबसे मैक्सिमम बेनिफिट आपके बॉडी को मिलेगा क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी उस प्रोटीन को सबसे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करेगी जो उसको यूटिलाइज यूज करना है आपकी बॉडी में सबसे मैक्सिमम तरीके से करेगी ये एक और हमारे पास रिसर्च है अ जो कि एक रिसेंट रिसर्च पे है कि जो हम देख रहे हैं कि हमारा प्रोटीन का बेनिफिट क्या है ये आप देख तो आपके वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है हमने जाना क्योंकि हमें बार बार भूख नहीं लगती अगर हम अच्छे से हमारा जो आ, मील है वो प्रोटीन रिच होता है दूसरा ग्लाइसमिक रेगुलेशन कि आपके जो इंसुलिन लेवल है आपकी बॉडी में आ, जो शुगर है वो एकदम से इसे स्पाइक नहीं करेगी ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करेगा तीसरा की बोन तो हम अगर देखें आप कि हमारी जो जो इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल कैल्शियम जो इंटेस्टाइन में आपके कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो अच्छा होने लगता है अगर आपके बॉडी में सफिशियंट जितनी जरूरत है उतना प्रोटीन है उस वजह से अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा तो वो डायरेक्ट लिंक करता है आपकी बोन हेल्थ से तो आपकी बोन हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में इसका रोल है दूसरी ये एक रिसर्च करी गई कि चार हफ्तों के लिए एक वेट लॉस प्रोग्राम पे कुछ लोगों को रखा गया और महीने के लिए उसमें उन लोगों को वेट मेंटेनेंस प्रोग्राम पे रखा गया तो उसमें क्या करा दो ग्रुप्स बनाए दो ग्रुप्स में एक ग्रुप को तो हाई प्रोटीन डाइट दी उस वेट वेट मेंटेनेंस फेज में और जो बाकी एक ग्रुप को हाई प्रोटीन डाइट नहीं दी गई तो हमने रिजल्ट्स बड़े इस तरीके से देखे कि जो लोग हाई प्रोटीन डाइट ले रहे थे अपने मेंटेनेंस फेज में मेंटेनेंस प्रोग्राम में उनका जो वेट गेन हुआ उस टाइम पे वो कैसे था कि उनकी बॉडी में मसल गेन जो हुआ जो मसल्स का इंक्रीज हुआ तो वो हमें वो उनके बॉडी में देखा कि चेंज इन वेट जो आया वो उस तरीके से आया जो कि हेल्दी था क्योंकि आपकी बॉडी को मसल्स की जरूरत होती है एक हेल्दी लीन बॉडी के लिए दूसरी तरफ हमने देखा गया कि जो लोगों ने हाई प्रोटीन डाइट नहीं दी अपनी मेंटेनेंस प्रोग्राम में उनका वेट जो बड़ा है वो किस तरीके से कि फैट उनके बॉडी में बढ़ा मसल्स की नहीं गेन हुआ तो ये रिजल्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताते हैं कि अगर आप मेंटेनेंस फेज जैसे कि अभी आप लोग एक मेंटेनेंस फेज में तो इस टाइम पे प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसीलिए जो जो प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन है वो सेम चलता रह, चल रहा है आप लोगों के लिए जो आप इंटेंसिव फेज में ले रहे थे वही मेंटेनेंस फेज में प्रोटीन को हम कह रहे हैं कि आप इंटेंसिव में भी ले रहे थे उस टाइम पे हमारा पर्पज था कि वो आपको एक हेल्दी वेट का आप अचीव कर रहे थे और मेंटेनेंस फेज में अगर आपने वो अचीव कर लिया अभी तक तो उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको आपकी हाई प्रोटीन डाइट लेना बहुत जरूरी है Uh, हमें मालूम है कि ये एक सर्वे uh, अगेन है uh, एक डेटा है हमारे पास कि शुगर के कंजम्पशन पे लेके अः uh, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि 175 सेवेंटी मिलियन जो टन uh, है वो शुगर कंज्यूम की जाती है पूरे वर्ल्ड में जिसमें इंडिया सबसे टॉप पर है क्योंकि हम जानते हैं हमारे यहाँ uh, बहुत फेस्टिवल्स हो होते हैं इंडिया uh, में बहुत फेस्टिवल सेलिब्रेशन और हर चीज में चाहे कोई पूजा हो या आपका कोई सेलिब्रेशन है घर में या कोई छोटी सी खुशी की बात होती है हम लोग हमेशा मीठा जरूर लेते हैं मी मीठा खाया है कुछ ना कुछ स्वीट्स कम खाते हैं तो डेफिनेटली वो कंज़प्शन बढ़ता है काफी चीजों से और uh, हाइएस्ट है इंडिया में एज कंपेयर चाइना चाइना हमें मालूम है अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन चाइना की भी बहुत ज्यादा है और uh, इंडिया फिर भी उससे कई परसेंट काफ़ी ज़्यादा है जिस लाइक फिफ्टीन पॉइंट फोर परसेंट टोटल वर्ल्ड का जो शुगर कंजम्पशन है सिर्फ इंडियंस की तरफ से है तो ये एक मेजर रोल प्ले करता है आपके वेट मैनेजमेंट पे आपका शुगर कंजप्शन कितना है तो उसको हमें कंट्रोल रखना चाहिए और आपके हेल्थ को एक अच्छी तरीके से मेनटेन करने के लिए हम ये नहीं कह रहे कि सेलिब्रेट नहीं कीजिए आप लोग या कुछ मीठा नहीं खाइए पर बहुत उसको लिमिट करिए और हमारे पास बहुत हेल्दी और अल्टरनेटिव और भी चीजें हैं नेचुरल शुगर के फॉर्म में हम उसकी तरफ भी अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके से अगर आप हाई कार्ब डाइट लेते हैं अगर आपकी जो डाइट है उसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा है तो ये एक आ, क्र फॉर्म में हम एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आपके बॉडी में काप्स ज्यादा है तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा क्यों क्योंकि ग्लूकोज अगर आपके बॉडी में एंटर कर रहा है काप्स के थ्रू तो उसके अगेंस्ट में इंसुलिन रिलीज होता है इंसुलिन लेवल्स भी बढ़ेंगे इंसुलिन लेवल बढ़ेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, होने के चांसेस होते हैं कि जो आपका ग्लूकोज और इंसुलिन होता है वो आपस में एक ताला चाबी की तरह काम करते हैं कि अगर तो वो लॉक इन की में फिट हो गए तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू होता रहेगा बट अगर उसका इंसुलिन ज्यादा रिलीज हो गया या आपकी बॉडी में ग्लूकोज उतना यूज नहीं हुआ वो लॉक इन की में एक साथ फिट नहीं बैठे तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस आने लगती है जिसकी वजह से हंगर या टाइनेस बार बार भूख लगना या थकावट वो होने लगता है दूसरा जो भी एक्स्ट्रा इंसुलिन हमारी बॉडी में होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट आपकी बॉडी उसको फैट की तरीके से स्टोर कर लेती है दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि आपका अगर हम लो कार्ब डाइट ले रहे हैं ठीक है रिड्यूस प्लाज्मा इंसुलिन जो हमारा बॉडी में प्लाज्मा इंसुलिन है वो कम है तो इससे क्या होगा एक तो फैट स्टोरेज कम होगा दूसरा हमारे ग्लाइकोजन सिंथेसिस क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में अगर जब स्टोर होता है आपकी बॉडी में उसको स्टोर करती है ग्लाइकोजन के तरीके से तो वो कम हो जाएगा तो ग्लाइकोजन कम होगा तो ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस क्या कि जब बॉडी को जरूरत होती है एनर्जी के लिए तो वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन तोड़ता है उस वो शुगर लेने के लिए तो वो कम होने लगेगा और अगर वो कम हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस टर्म का मतलब है कि हमारी बॉडी एनर्जी के लिए ग्लूकोज से वो एनर्जी नहीं ले रही किसी और तरीके से किसी और चीज पे सोर्स पे डिपेंड कर रही है तो उस जब जिस चीज से किसी और चीज से अगर हम एनर्जी लेते हैं तो जो ब्रेकडाउन जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस जो शायद कीटोजेनेसिस हम देख रहे हैं मतलब जो कीटोन कीटोन बॉडीज जो हमारी बॉडी में होती हैं उसको हमारी बॉडी यूज कर रही है एनर्जी लेने के लिए तो और जो हमारा अगर हम लो कार्ब डाइट में है तो हम देख रहे हैं कि हमारा ग्लूकोज कंट्रोल में एकदम से हमारी बॉडी में ऐसे एकदम से स्पाइक नहीं हो रहा और फिर लो नहीं हो रहा जिसकी वजह से हमें चाहे वो थकावट या बार बार भूख लगे और फैट स्टोरेज कम है तो डेफिनेटली हम हमें इट इज हेल्पफुल कि हमें जो एक वेट लॉस हम अपनी बॉडी पे अगर करना चाह रहे हैं एक वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं हेल्दी वेट तो वो इजी हो जाता है बॉडी के लिए तो ये एक कंपेरिजन अगर हम देख रहे हैं कि हाई कार्ब्स और लो कार्ब डाइट में किस तरीके से बॉडी में आ रहा है तो डेफिनेटली हम देख पा रहे हैं क्लियरली कि लो कार्ब डाइट हमारे लिए ज्यादा अच्छी है और कार्ब्स लो कार्ब डाइट तो ठीक है पर हम कार्ब्स के दो तरीके के हैं कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल कार्ब्स जो कॉम्प्लेक्स कार्ब अगर मैं डिफरेंस हम करें तो वो एक बहुत सब मॉलिक्यूल्स की चेन से बनता है और जब आपके बॉडी में आप कॉम्प्लेक्स कार्ब आप लेते हैं तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और स्लोली स्लोली आपके बॉडी में ग्लूकोज इंक्रीज करेगा तो एकदम से स्पाइक नहीं हो जाता एकदम से आपका ग्लूकोज लेवल हाई नहीं हो जाएगा आप लंबे समय तक क्योंकि उनके अंदर फाइबर भी होता है तो आप लंबे समय तक भूखा फील नहीं करते आपकी बॉडी को पेट भरा हुआ आपको वो जो एक सेटाइटी फीलिंग है वो रहता है और दूसरा कि इनमें प्रोसेस फूड नहीं होते फाइबर ज्यादा है आपके बॉडी में एनर्जीज ज्यादा समय तक रहती है क्योंकि धीरे 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 आपके बॉडी में रिलीज हो रहा है तो एनर्जीज रहेंगी तो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और उनमें एज कंपेयर जो हमारा सिंपल काब्स है उसमें एंटी ऑक्सीडेंट भी ज्यादा है और ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉम्प्लेक्स के दूसरी तरफ सिंपल जो है वो शॉर्ट चेन है शुगर मॉलिक्यूल्स के तो एकदम से आपके बॉडी में जाएंगे तो ग्लूकोज का एकदम से ऐसे ब्लास्ट हो जाता है और एकदम से आपका ब्लड शुगर हाई और एकदम से लो तो उस वजह से आपकी बॉडी थकने लग जाती है और एकदम से डाइजेस्ट और एकदम से वो ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं तो इसलिए हमें बार बार उस तरीके की फीलिंग होती है प्रोसेस्ड होते हैं जो भी आपके डाइटरी फाइबर कुछ भी फाइबर नहीं होता उसमें कम होता है बहुत कम होता है बहुत ही ज्यादा कम और इसलिए आपकी बॉडी एनर्जी लैक कर रही है तो परफॉर्मेंस लो हो जाएगी नहीं होते उनमें उतने जितने की कॉम्प्लेक्स में होते हैं एंटी ऑक्सीडेंट और आपके जो भी शुगर कैंसर जो आपके पैकेट फूड हैं जो प्रिजर्वेटिव वाले फूड हैं वो सब इस सबके सिंपल काप्स के एग्जांपल्स हैं तो एक और रिसर्च है कि अगर एक आ, हमने देखा कि हाई फाइबर रे अगर लोगों को दिया गया तो किस तरीके से कॉम्प्लेक्स कप और सिंपल काप्स में डिफरेंस देखाया गया कि एक आ, 207 लोगों का पे रिसर्च की गई जिसमें से जो एज ग्रुप था वो 30 से 70 साल के लोगों का था जिनका बीएमआई एम सत्ताईस से पैंतीस था जो कि ओवरवेट में आते हैं और दो ग्रुप्स बनाए गए एक ग्रुप को वीट वाला ब्रेकफास्ट उनको दिया गया वीट रिच और दूसरे ग्रुप को हम उन्होंने रे जो हमारा हाई फाइबर रे वाला मील्स उनको दिए गए तो हमने एट द एंड उसके रिजल्ट्स इस तरीके से देखे कि जो जिनको हाई फाइबर रेव के कैटेगरी में रखा गया था ग्रुप में उनका वेट लॉस एज कंपेयर जो सिर्फ वीट ले रहे थे उनसे ज्यादा था बिकॉज उसमें फाइबर है और आ, तो उस उनकी गट हेल्थ भी इंप्रूव हुई जो गट के अंदर अच्छे माइक्रोब्स हैं माइक्रो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो भी बढ़े और जिसकी वजह से उनकी हेल्थ इंप्रूव हुई गट वाइज भी और वेट लॉस में भी उनकी जो एज कंपेयर आपके जो कम वीट के थे उसमें ज्यादा हुआ तो ये क्लियर हमारे पास एक एविडेंस है कि किस तरीके से आपके बॉडी में अगर आप कॉम्प्लेक्स काब्स लेते हैं तो वो अच्छा है दूसरा कॉम्प्लेक्स काब्स लिए हाई फाइबर डाइट जो ग्रुप्स वाले थे उनका वेट मैनेजमेंट इजी इसलिए भी हो पाया क्योंकि ब्लड शुगर लेवल भी बार बार अप एंड डाउन नहीं हो रहे थे मेनटेन रहा अगर हम फैट्स की बात करते हैं हमेशा एक ट्रिगर होता है हमारे दिमाग में कि फैट तो हमेशा गलत ही होता है तो ये बैड ही है हमारी बॉडी के लिए तो ऐसा नहीं होता हमारे बॉडी में गुड फैट्स की जरूरत होती है हमें उसकी तरफ अपने बॉडी को जाना चाहिए ना कि जो गलत फैट है अनहेल्दी फैट है उसको हम पिक करें तो फैट्स का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हमें एनर्जी एकदम से प्रोवाइड करता है जो आपके सेल्स एंड टिश्यूज हैं उसके मेन कई बार कंपोनेंट होते हैं बहुत से हमारे वाइटाम्स हैं वाइटामिन ए डी ई एन के जिसको आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करना है तो वो वो फैट में ही होते हैं क्योंकि डिजोल्व तो सॉलिबल तो इसीलिए वो फैट्स वो हमारी बॉडी में बहुत जरूरी हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने के लिए जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन तो उसमें भी फैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और जैसे कि स्टार्टिंग में कहा था कि इंसुलेटिंग ब्लैंकेट है कि आपकी बॉडी को एक वॉर्म जो एक बार की एनवायरमेंट के कंपेरिजन में जो एक करम रखना होता है वो भी आपके फैट्स प्रोवाइड करते हैं गुड फैट्स बैड फैट तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हमारे गुड फैट्स बैड फैट के और टाइप्स ऑफ फैट्स हमने जाना था पहले भी के सेशंस में भी अन सैचुरेटेड फैट्स होते हैं सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जैसे uh, जो अगर आप रूम टेम्परेचर पे उन्हें रखें तो वो सॉलिड हो जाते हैं अन आपके लिक्विड रहते हैं और जो हमारे ऑयल्स हैं या कुछ फैट्स होते हैं जिनमें एग्जाम्पल्स एंड सोर्स जो मिक्सचर हैं सैचुरेटेड uh, के भी और अनसैचुरेटेड के भी जैसे कि आपके ऑयल्स हो गए पर कई ऑयल्स में सैचुरेटेड ज्यादा है अनसैचुरेटेड के कंपैरिजन में कई में में अनसैचुरेटेड ज्यादा है सैचुरेटेड के कंपैरिजन तो एग्जांपल है जैसे पीनेट ऑयल मूंगफली का ऑयल हो गया ऑलिव ऑयल हो गया ठीक है आपके जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं सीड्स होते हैं ये आपके हेल्दी फैट्स में काउंट होते हैं आपका ठीक है तो हम ये क्या फैटी फिश हो गई तो इस तरफ आपको ज्यादा अपना फैट कंजप्शन लेना चाहिए पर एक क्वेश्चन आता है कि फैट कितना लेना चाहिए अगर मैं एक जल्दी से आपको एक एग्जाम्पल दू की जब एक टाइम था जब लोग हंट करके शिकार करके अपना खाना लेते थे उस टाइम पर आपकी अः बॉडी ज्यादा कंज्यूम कर लेती थी, थी उस टाइम पे लोग फैट ताकि एक या दो दिन अगर कभी लंबे समय तक उनकी बॉडी को उतना खाना नहीं मिल पा रहा तो वो जो स्टोर करा हुआ खाना है फैट है, है उससे वो एनर्जी ले सके पर आज हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज हैं कि हम अपनी बॉडी को रोज उतना फैट दे सकते हैं तो उसके कंपेरिजन में हमें मिनिमम जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उतना फैट देने की जरूरत है कोशिश करें कि आपकी बॉडी ज्यादा फैट स्टोर ना करे और आपकी बॉडी किस हिसाब से आपका लाइफ है आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं कितनी जरूरत है उसमें उतना जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें